हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बस दीपावली के अब कुछ ही दिन बचे हैं और हर कोई अपने अपने घरों को सजाने में लगा हुआ है। क्लीनिंग भी चल रही है, उसके साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है लोगों की, और सामान भी हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो क्योंकि इस साल तो कोरोना है तो मार्केट तो ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, मतलब जा रहे हैं लोग लेकिन थोड़ा सा अभी भी कम नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, न्यूज़ व्यूज़ में तो बताते ही रहते हैं, तो हम लोग भी मार्केट बहुत कम जा रहे हैं। तो मैंने भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी अपने घर को सजाने के लिए, जिसको मैं पिछले साल से लेने की सोच रही थी लेकिन फिर मैं नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ले लेते हैं दिवाली में, और मैं भी अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करूं, और मुझे डेकोरेशन का शौक भी बहुत है। तो मैंने भी इस बार मीशो से ये टी लाइट होल्डर हैं दो, वो मैंने ऑर्डर किए हैं, तो ये मुझे आज ही मिला है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और काफ़ी अच्छे ये मुझे लगे, मुझे लग रहा था कि कांच का आइटम है तो कहीं ऐसा ना हो कुछ ख़राब निकल जाए या कुछ डैमेज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दिवाली से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से बड़ा ही सुंदर सा ये पीस है, एक रेड है और दूसरा भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये अमेज़ॉन पे भी थे, फ्लिपकार्ट पे भी थे, मैंने पिछले साल अमेज़ॉन पे देखा था और मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करने की सोचा, लेकिन फिर उस पर मैंने देखा कि शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने उसको मीशो पे सर्च किया तो मुझे मीशो पे भी मिल गए, तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया। ये दो मुझे बहुत ही प्यारे से टी लाइट मैंने मंगाए होल्डर, वो हैं कुछ कुछ देखिए बिल्कुल जैसे लालटेन जो होती थी गाँव में उस तरीके से। कलर भी बड़े प्यारे, मैंने रेड और ब्लू ऑर्डर किया था तो रेड ब्लू ही आए, और मुझे ये भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं जो कलर ऑर्डर कर रही हूँ कहीं दूसरा कलर ना आ जाए, या फिर जो इसमें ये लगे हुए हैं मिरर ये कुछ डैमेज ना आ जाए, थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे दोनों बहुत ही अच्छे रिसीव हुए हैं। और इसके अंदर एक एक, एक कैंडल रखी हुई है, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के यहाँ से लॉक, यहाँ से लॉक वाला सिस्टम जो होता है उस तरीके से। ये देखिए इसके अंदर रखी हुई है टी लाइट, और फिर ऐसे ही लगा के इसको बंद भी कर देंगे, तो ऐसे इसी तरीके से इसमें भी है। तो बड़े प्यारे मुझे लगे ये टी लाइट कैंडल, कैंडल होल्डर्स। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और इनको मैं जल्द ही अपने किसी डेकोरेशन में लगाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के साथ ही शेयर होगा उसका वीडियो, अपने बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में या फिर अपने बालकनी पे। अभी तो मैं अपने आगे जहाँ यहाँ पे जो बैठी हुई हूँ इसी रूम में मैं सोच रही हूँ इसको कहीं ना कहीं लगाने के लिए। तो जहाँ भी मैं इनको लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे तो बड़े प्यारे, क्योंकि मुझे ये पिछले साल से मैं इनको लेना चाह रही थी, तो पिछले साल मैंने अमेज़ॉन पर देखा था, शायद आई थिंक 500 समथिंग ऐसी कुछ था, और इस बार अमेज़ॉन पर कम का तो था लेकिन उन्होंने फिर शिपिंग चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, पूरा 62 रुपीज़ वो शिपिंग चार्ज ले रहे थे। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैंने मीशो पे सर्च किया तो मुझे ये 342 में टू पड़े हैं। तो कैसे लगे जरूर बताइएगा। कलर भी बहुत प्यारा है, और हाँ एक चीज़ और थी जो इससे कम रेट के भी थे, तो उसका मैंने रिव्यू पढ़ा तो उसमें कुछ लोगों ने ये रिव्यू दिया था, जो इसका ये चीज़ है ये बहुत ही रफ़ क्वालिटी का है, टीन है, बिल्कुल हल्का सा है, पतला सा है, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। वरना कुछ एक था वो 250 में भी था, 250 में दो थे, लेकिन फिर मैंने उसी वजह से उन्हें ऑर्डर किया कि अगर इसका ये चीज़ मेटल भी अगर नहीं अच्छा लगेगा, रफ़ सा होगा तो फिर देखने में नहीं अच्छा लगेगा, तो मैंने ये वाला। और इसका जैसा पिक में दिखाया था सेम वैसा ही आया है, पास से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पेंट वगैरह बिल्कुल एकदम अच्छे से, और कलर भी काफ़ी अच्छा सा, बिल्कुल फिनिशिंग वर्क है, और ये मिरर लगे हुए हैं। और रात में जब ये जो स्टार बने हैं यहाँ से, इसकी पूरी लाइट जो निकलेगी तो काफ़ी अच्छा इसका लुक लगेगा देखने में, और जहाँ भी हम इसे हैंग कर देंगे तो देखने में काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं, या बालकनी में हो या फिर अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी इसको हैंग करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो यही था आज का मेरा जो मेरी शॉपिंग मीशो से, जो कि अभी मैंने और भी कुछ सोच रखा है दिवाली तक,
तो वो भी जब मैं ऑर्डर करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ऑफलाइन भी अगर जो भी खरीदूंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जल्दी आप लोगों के लिए दिवाली डेकोरेशन का भी वीडियो आने वाला है, जो कि मैं बेडरूम डेकोरेशन, लिविंग रूम डेकोरेशन, सारी चीज़ों का डेकोरेशन एक एक करके मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से अपने घर को अच्छी तरीके से हम लोग डेकोरेट कर सकें और अच्छे से छोटी सी जगह में भी अच्छे से अच्छे अपने चीज़ों को मैनेज करके और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके अपने घर को हम सजाएं। तो हर किसी का मन करता है कि हम अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएं, तो बस इसी तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को घर में ऐड करेंगे तो आपका घर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए वीडियो को फिर अपने वीडियो को मैं यहीं पेंट करती हूँ, और एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये कैंडल्स निकल रहा है, कैंडल होल्डर कैसे लगे। और जरा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।